तो फ्रेंड आज है मेरे यहाँ तुरंता माता की पूजा, जो बहुत ही सरल है और बहुत ही सिंपल विधि है इसकी। तो आज मैं लेके आई हूँ आप सबके साथ शेयर करने, ये छोटी सी वीडियो है तुरंता माता की पूजा जो मैंने इस तरीके से आज करने जा रही हूँ। तो क्या क्या लगेगा तो मैं बता दे रही हूँ, बिल्कुल सिंपल है ये पूजा। तो यहाँ पर मैंने फूल लिया है, देखिए इस तरीके से, और यहाँ पे गौरी गणेश हैं जो मैंने चावल पे ही रखा है, चावल पे ही रखना चाहिए। और यहाँ सिंदूर भी है और अगरबत्ती है, धूप बत्ती है, घी का दीपक है, और मैंने यहाँ लोटा जल रखा है। और आधा किलो मिठाई लगती है इसमें, तो आधा किलो मिठाई मैंने मंगाई है। आप बर्फी, पेड़ा कुछ भी मंगवा सकती हैं, चाहे तो घर पर भी बना सकती हैं। और यहाँ पर मैंने 7 गिलास लिया है इस तरीके से, जो पूजा में अभी काम आएगा। और यहाँ पे मिठाई के साथ में मैं दोना भी लाई हूँ, जिसमें मिठाई लगाने के काम आएगा फ्रेंड। तो ये पूजा बहुत ही सिंपल और साधारण है और बहुत ही जल्दी मनोकामना पूरी होती है। तो इस तरीके से मैं करने चल रही हूँ तुरंता माई की पूजा। तो यहाँ पे चलिए पूजा स्टार्ट करते हैं फिर हम। तो यहाँ पे 7 दोना लगाएंगे प्रसाद के लिए, इस तरीके से 7 दोना लगा दिए हैं हम। और अब प्रसाद लगाते हैं बराबर से, प्रसाद की मात्रा सब में बराबर होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम सब दोने में प्रसाद को रख देंगे बराबर हिस्से में, 7 दोने में। तो यहाँ पे हम लगाते हैं 7 गिलास और 7 गिलास में पानी भरना है हमें इस तरीके। तो आप सबके ऊपर जल डालेंगे, भगवान को नहलाएंगे और उसके बाद में खुद को नहलाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पे अब हाथ जोड़ के भगवान को प्रणाम करेंगे और उसके बाद में दिया जलाएंगे सबसे पहले यहाँ पे, क्योंकि अग्नि को साक्षी मान के ही पूजा की जाती है। तो इसलिए मैं दिया यहाँ पे जलाऊंगी। तो इस तरीके से दिया, धूप बत्ती, अगरबत्ती, कपूर वगैरह हमने जला दिया है और इस तरीके से भगवान को दिखा देंगे। और अब चूड़ी बिंदी भी चढ़ाएंगे, चूड़ी बिंदी भी मैंने रखी यहाँ पे, बता नहीं पाई। और इस तरीके से भगवान की पूजा करनी है हमें तुरंता माई की। तो धूप बत्ती अगरबत्ती हम दिखा रहे हैं इस तरीके से। अगरबत्ती भी लगा दिया मैंने यहाँ पे आलू ला के, आलू पे। और अब हम लगाते हैं यहाँ पे साथ भगवान को सिंदूर, पान फूल चढ़ाते हैं इस तरीके से। और पान फूल वगैरह चढ़ाना है यहाँ पे इस तरीके से, मैं चढ़ा रही हूँ। और सारे दोने पे भी जिसने प्रसाद रखा हुआ है उसमें भी फूल चढ़ाना है हमको 7 दोने में फूल चढ़ाना है इस तरीके से। इस तरीके से फूल चढ़ा दिया मैंने सारे दोनों में और बिंदी भी लगा देंगे यहाँ पे निकाल के भगवान को, गौरा माता को बिंदी लगा देंगे यहाँ पे। चूड़ी भी चढ़ानी है, सिंदूर लगा रहे हैं यहाँ पे भगवान को, सबसे पहले सिंदूर लगाएंगे तुरंता माई को इस तरीके से। अब सीधे तरफ से चालू करेंगे सिंदूर लगाना, तो सिंदूर पहले औरतों को लगाएंगे सारी इस तरीके से, सारी औरतों को सिंदूर लगा देना है। और यहाँ पे एक पान का पत्ता लेना है और कपूर से आरती करनी है। तो
पान के पत्ते पे कपूर रख दिया है और जला के आरती करनी है। इस तरीके से जल को आचमन करना है और फिर आरती करेंगे। फिर हाथ जोड़ के पूजा अर्चना करना है। और यहाँ पे अब चूड़ी बिंदी है जो चढ़ाएंगे, तो चूड़ी निकाल के हम दो चूड़ी गौरा माता को चढ़ा देंगे और अब बिंदी भी उनको लगा देंगे। इस तरीके से और फिर बिंदी को वहीं चढ़ा देंगे छुआ के, और इस तरीके से गिलास को उठा के पानी को इस तरीके से घुमा के फिर सात सात बार डालना है घुमा के। सारी औरतें इस तरीके से उतार के पानी को घुमा के डालेंगी, सात बार उतारना है और सारी औरतों को इसी तरीके से करना है। तो यहाँ पे हम प्रसाद दे दे रहे हैं सारी औरतों को और फिर इसमें जो फूल चढ़ा है तो फूल और प्रसाद थोड़ा थोड़ा लेके हम जो है गौरी माता को तुरंता माई को चढ़ा देंगे। उसके बाद में सारी औरतें प्रसाद खा लेंगी और जो गिलास में जल है उसी जल को पी लेंगी।